देखिए क्या होता है कि कांग्रेस के इस प्रकार के वक्तव्य और कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की भाषा, ये चुनाव में हार की खीज है। खड़गे जी क्या बोल रहे थे और अब खड़गे जी क्या बोलने लग गए, तो ये हताशा है कांग्रेस की, निराशा है कांग्रेस की। और हताशा निराशा में लोग कुछ ही बोलते हैं, तो खड़गे जी गलत नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो रही है, जनता ने नकार दिया है, और उनके उड़ते, अब उनको क्या कहें, युवा कहें क्या कहें, उनके नेता राहुल गांधी को जनता ने उड़ा दिया है। तो इसलिए अनाप शनाप बोलना ये कांग्रेस के नेताओं की इस समय आदत फहरिस्त बन गई है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि देश इन्हें गंभीरता के साथ देख रहा है। जीतू पटवारी जी, पंजाब को उड़ता प्रदेश किसने बनाया था? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से पहले क्या था, किस प्रकार के दुरावस्था का दौर श्रीमान बंटाढार के नेतृत्व में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश के अंदर बनी है, तो इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस प्रकार से काम करने वाले लोग यहां नहीं बच सकते। और हाल का ही उदाहरण है, अगर किसी ने यहां हाथ डालने का प्रयास किया तो उन हाथों को जेल के सिंकचों में पहुंचा दिया गया। तो ऐसे लोग जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश के अंदर या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कोई नहीं बचेगा, न बच सकता है। इसलिए आपका काम केवल मध्य प्रदेश को बदनाम करना, केवल मध्य प्रदेश में नकारात्मक राजनीति करना, आपके पास कुछ और है नहीं, और आपके पास तो लोग भी नहीं है, तो आप क्या करो। तो इस प्रकार की झूठी छल कपट की राजनीति ही आपका माध्यम बन गई है। इसलिए मुझे लगता है कुछ अच्छी बातें करेंगे तो मध्य प्रदेश हम सबका है, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अच्छी बातें भी हैं तो जीतू पटवारी जी कभी कुछ अच्छी बात निकलेगी तो अच्छा होगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अगर उड़ान किसी की है तो मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश की उड़ान है, जो आगामी समय में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये उड़ान मध्य प्रदेश की है, ये सकारात्मक राजनीति आप करिए तो अच्छा होगा। ये जब जब हारे हैं आप इतिहास उठा के देख लो, ये ईवीएम पर ही दोष देते हैं, और जब जीतते हैं तो खामोश हो जाते हैं। ये इनकी मानसिकता है, और इस मानसिकता में ये बने रहे और ऐसे ही हारते रहे, हम भी चाहते।